आज अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। केमिस्ट्री में हर बच्चे को ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है, तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप पूरे ऑक्सीडेशन नंबर को सॉल्व करेंगे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ ही साथ सारे पॉइंट नोट करते रहिए। तो बिना टाइम गवाए अपन शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को स्टार्ट कैसे करना है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपना रूल क्या है कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, यानी कि अपन ने 100 ट्रिक से ग्रुप नंबर फर्स्ट को याद किया था, और वो 100 ट्रिक थी अपनी, जैसे हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। कौन सी थी? हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। पॉइंट को नोट क्या करना है कि जो अपना ग्रुप नंबर फर्स्ट है यानी कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था होगी प्लस वन। कितनी होगी? प्लस वन। आप सभी क्या नोट करेंगे कि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट होता है उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगी। कितनी होगी? प्लस वन। सेकेंड बात करते हैं, जो आवर्त सारणी में ग्रुप सेकेंड है, कौन सा? ग्रुप नंबर सेकेंड। ग्रुप सेकेंड कौन सा? आपने याद किया था, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, सर पकड़ बाप रो। शॉर्ट ट्रिक की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यानी कि बेटा मांगे कार, सर पकड़ के बाप रोए, इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी हमेशा प्लस टू रहेगी। कितनी रहेगी? प्लस टू रहेगी। अपन ने दो पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना है कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट यानी कि जिसको शॉर्ट ट्रिक से याद किया था, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, किससे याद किया था? हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, इसकी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीडेशन नंबर वन प्लस वन होगी। फिर सेकेंड रूल अपना, जो ग्रुप नंबर सेकेंड है यानी बेटा मांगे कार, सर पकड़ के बाप रोए, इसकी प्लस टू होगी। आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या को सीख जाएंगे। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है अपना? रूल नंबर थर्ड कहता है कि जो भी आपका ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17, मैं कौन सा कह रहा हूं? ग्रुप नंबर 17 है। 17 को अपन ने कैसे याद किया था? फिर कल बाहर आएगी आंटी, अपन ने किससे याद किया था? फिर कल बाहर आएगी आंटी। इन पांचों तत्वों की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या होती है माइनस वन। कितनी होती है? माइनस वन। फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा कि जो ग्रुप फर्स्ट है यानी कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन होगी। सेकेंड अपन ने देखा ग्रुप सेकेंड यानी कि वर्ग नंबर दो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस टू होगी। और तीसरा रूल कि जो ग्रुप नंबर 17 है यानी कि फिर कल बाहर आएगी आंटी, इनकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस वन होगी। अब चौथा क्या है? जो O फॉर ऑक्सीजन है अपना, ना कि O फॉर ऑरेंज, मैं बात कर रहा हूं O फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होती है। कितनी होती है? माइनस टू। ऐसे नहीं कि आप ग्रुप नंबर 16 की सबकी माइनस टू कर दे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही माइनस टू शो करता है। ये पॉइंट, चार पॉइंट आपको नोट करना है। सबसे पहला हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, इन सबकी प्लस वन होगी। सेकेंड बेटा मांगे कार, सर पकड़ के बाप रोए, इन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगी। फिर कल बाहर आएगी आंटी, इन सबकी माइनस वन। और जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या होगी माइनस टू। आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं चलता हूं आगे। अपन ने चार रूल्स देखे हैं और चार रूल्स के बाद ऑक्सीडेशन नंबर काफी इजी हो जाएगा। जैसे अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं, यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, आपको भी नोट करना है। जैसे सबसे पहले मैं लिखूं Na की ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिख रहा हूं? Na की ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड में लिख रहा हूं Na प्लस की ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड में लिख रहा हूं Cl की ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट है मेरा Cl माइनस की ऑक्सीडेशन नंबर। फिफ्थ पॉइंट है मेरा NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर। सिक्स्थ पॉइंट है मेरा NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर। सेवन पॉइंट है मेरा, जैसे कोई भी ले लो, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर।
तो अपन कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मैंने लिखा है Na की ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड पॉइंट पे लिखा Na प्लस की ऑक्सीडेशन नंबर, थर्ड नंबर पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, फोर्थ नंबर पे Cl माइनस की ऑक्सीडेशन नंबर, फिफ्थ नंबर पे मैंने लिखा NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर, सिक्स्थ नंबर पे लिखा NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, और सातवां पॉइंट H2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर। अपन अब एक एक की ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। सबसे पहले मैं Na की ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा जीरो, कितनी जीरो। अब आप कहोगे सर आपका रूल फर्स्ट तो कहता था कि सोडियम की प्लस वन होती है, तो आप नीचे नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई परमाणु, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना है, जब भी कोई एलिमेंट या कोई एटम या कोई परमाणु अकेला होता है, यानी कि अलोन हो, कैसा हो अकेला, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। तो रूल नंबर अपना आगे वाला क्या कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई तत्व अकेला हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी होगी, जीरो। यानी कि Na की राइट ऑक्सीडेशन नंबर है जीरो, ना कि प्लस वन। अब दूसरा पॉइंट अपना कहता है Na प्लस। अब देखना आप, यहां मैंने Na लिखा, यहां Na प्लस लिखा। Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10, लेकिन Na में होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, लेकिन परंतु Na प्लस में ऑक्सीकरण संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अपन डिराइव करें तो होती है 10। अब इसमें अपन को Na प्लस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो Na प्लस यदि किसी भी तत्व पर, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, यदि किसी भी तत्व पर कोई चार्ज आ जाए, तो इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। यदि किसी भी तत्व पर कोई चार्ज आ जाए तो वो चार्ज ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस, और आगे कुछ नहीं है तो मतलब कि वन। तो Na प्लस की ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस वन। बाद में बात करते हैं Cl की, Cl अकेला है तो इसकी होगी जीरो। अब Cl माइनस तो माइनस वन, क्या मैं सही लिख रहा हूं, Cl के ऊपर माइनस है इसलिए मैंने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी है माइनस वन। माइनस वन क्यों होती है, क्योंकि अभी अपन ने देखा अगर किसी तत्व या किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज लगा है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। सेकंड अपन बात करते हैं कि NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि NaCl में Na की निकालनी है तो यहां पर होगी प्लस वन, कितनी होगी, प्लस वन। अब कहोगे सर यहां प्लस वन क्यों लिखी, यहां पे भी तो Na की ही डिराइव करनी थी। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट या एटम अकेला हो तो जीरो होगी, क्या कहा था, अकेला होगा तो जीरो होगी, लेकिन ये NaCl के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है तो इसकी होगी प्लस वन यहां पर। तो अपन बात कर रहे थे कि NaCl में Na की प्लस वन होगी ऑक्सीडेशन नंबर, अब अपन बात करते हैं कि NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। तो ध्यान से देखे अपन, तो क्वेश्चन है NaCl में Cl की, तो NaCl में ये Cl Na के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो अब अपन ने देखा था कि ग्रुप नंबर जो 17 है नहीं, यानी वर्ग नंबर 17 में Cl ये Na के साथ है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी माइनस वन, क्योंकि अपन ने कितनी देखी थी ग्रुप नंबर 17 वाले तत्वों की कितनी होती है माइनस वन, तो वर्ग 17 के तत्वों की कितनी होगी माइनस वन, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि सर H2SO4 में अगर S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, तो H2SO4 में S वाला तो सर आपने बताया ही नहीं, तो अब शुरुआत करते हैं कि अगर अपने को H2SO4 एग्जाम्पल के तौर पर H2SO4 में सल्फर की ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है कॉन्सेप्ट, पॉइंट को नोट करते जाना है। इसमें क्या क्या, देखो अगर अपने को जो डिराइव करना है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हमेशा एक्स मानना है, क्या मानना है एक्स, क्या मानना है एक्स, ध्यान से सुनिए क्या मानना है एक्स। अब बात करते हैं जैसे H2 क्या लिखा मैंने, H2 यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं दो इंटू, अब कहोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगाया, तो मल्टीप्लाई इसलिए लगाया क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं दो, तो ये दो लिख लिए। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है प्लस वन, अपन सबको पता है, तो इसको वन से मल्टीप्लाई करो, आगे हाइड्रोजन निपट गया प्लस। अब आगे क्या आया सल्फर, सल्फर को क्या मानना है एक्स, लिख लो एक्स प्लस। अब देखो क्या करोगे, वापस ब्रैकेट बना दो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, कितनी होगी माइनस टू इंटू ऑक्सीजन कितने है चार। अब कहोगे यहां सर चार क्यों लिखा, तो चार इसलिए लिखा क्योंकि एक ऑक्सीजन की
एक ऑक्सीजन की माइनस दो होती है, तो यहाँ ऑक्सीजन चार है तो माइनस दो इंटू चार यानी चार ऑक्सीजन एटम की माइनस दो ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब आगे आपको हमेशा ऑलवेज जीरो मानना है, बराबर में जीरो कब मानोगे, जब यहाँ पर इन पूरे कंपाउंड की कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दी हुई हो तो आप सबको जीरो मानोगे, इक्वल के क्या मानोगे जीरो। अब आगे सॉल्व करते हैं, टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू प्लस एक्स ऐसा का ऐसा प्लस यहां ब्रैकेट में आएगा माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एट को मैं इधर लेके गया कितना है टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एट प्लस का, जब उधर गया तो साइन चेंज हो गया। अब इस टू को उस साइड में अपन भेजेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एट माइनस टू, इधर प्लस का है तो उस साइड गया तो माइनस में हो गया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, यानी कि जो सल्फर है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी प्लस सिक्स होगी, कितनी होगी प्लस सिक्स होगी। अब बात करते हैं आगे, एक और एग्जांपल नया लेते हैं, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं पॉइंट याद रखना, पॉइंट के थ्रू बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब जैसे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे के टू सी आर टू ओ सेवन या के टू सी आर टू ओ सेवन, इसमें सी आर की अपन को डिराइव करनी है, किसकी सी आर की अपन को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखना है क्या आया है पोटेशियम, क्या आया है पोटेशियम। अब अपन ने देखा था हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, यानी की कैसे आया पोटेशियम, यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट, जब ग्रुप नंबर फर्स्ट था उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी प्लस वन मल्टीप्लाई टू। यहां मैंने टू किस लिए लिखा है, क्योंकि पोटेशियम दो है और पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस वन, यानी दो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस वन से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या कोई डाउट। अब चलते हैं आगे प्लस, अब सीआर है, सीआर को अपन क्या मानेंगे एक्स, क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, लेकिन यहाँ सीआर कितने हैं दो है तो x के आगे 2 रखना है, क्योंकि दो सीआर की अपन को डिराइव करनी है, सीआर को माना x और ये 2 वैल्यू ऐसी की ऐसी, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस 2 अभी देखा अपन ने, मल्टीप्लाई 7, 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 7 एटम्स अपन को दिए गए हैं और ऑक्सीजन के 7 एटम्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट आएगी। अगर मैं सिर्फ यहां माइनस 2 लिखूंगा तो एक ऑक्सीजन एटम की ही माइनस 2 होगी, लेकिन यहां पर 7 दिए गए हैं इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 7 लिखा, इक्वल टू 0, यहां पर कोई नहीं दे रखी ऊपर वैल्यू। अब बात करते हैं आगे, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 2 प्लस 2x ऐसा का ऐसा प्लस माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं 14 को इस साइड ले जाएंगे साइड चेंज, तो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, अब इस 2 को अपन ले जाएंगे इस साइड तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 तो 2x इज इक्वल टू 12। अब कहोगे सर 2x 12 यानी कि जो क्रोमियम है उसकी 12 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, नहीं ये नहीं होगी, क्योंकि यदि x के साथ यानी कि इफ अपन को x के साथ कोई वैल्यू आ जाए यानी क्रोमियम 2 की निकालनी है तो वो हमेशा बटे में जाएगी यानी कि अपॉन में वैल्यू जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 तो x की अपने ऑक्सीडेशन नंबर आएगी प्लस 6, कितनी आएगी प्लस 6। अब बात करते हैं आगे, एक दो और एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसके बाद अपन निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपने नोट कर लिया होगा, दूसरा मैं एग्जांपल यहां लिखता हूं, जैसे HNO3 मैं यहां लिख रहा हूं, HNO3 में अपने को डिराइव करनी है नाइट्रोजन की, किसकी डिराइव करनी है नाइट्रोजन की, तो बिल्कुल ही इजी है, जैसे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या अपने को पता है, हाइड्रोजन की होती है प्लस वन, कितनी होती है प्लस वन, क्योंकि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री सबसे पहले ग्रुप में आएगा और हाइड्रोजन कितने हैं वन, तो प्लस वन मल्टीप्लाई वन, फिर लिखो प्लस नाइट्रोजन को डिराइव करनी है, जिसकी डिराइव करनी होती है उसको जीरो अपन एक्स मानते हैं तो यहां लिख लो एक्स प्लस, और आगे आया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होगी माइनस टू अभी पढ़ा अपन ने तो यहां लिख लो माइनस टू मल्टीप्लाई 3। अब यहां मैंने 3 क्यों लिखे आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं 3 है तो 3 को
थ्री को मल्टीप्लाई किया माइनस टू से, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है माइनस टू। अब बात करते हैं आगे, प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस एक्स प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं हम सिक्स को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू सिक्स। अब इस वन को उस साइड ले जाओ तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। यानी जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस फाइव है। HNO3 जो कंपाउंड है अपना, HNO3 कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसकी प्लस फाइव होती है। कैसे निकाली, अपन ने सबसे पहले हाइड्रोजन की जितनी दे रखी है ऑक्सीडेशन नंबर अपन को पता है, रूल अपन ने पहले ही पढ़ लिया, प्लस वन होती है, हाइड्रोजन एक है तो मल्टीप्लाई वन कर लिया, प्लस जिसकी डिराइव करने उसको एक्स मान लिया, ये एक्स कर लिया। बाद में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री हो गई, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होती है, मैंने माइनस टू नोट कर ली। ऑक्सीजन की माइनस टू, ऑक्सीजन के थ्री एटम दे रखे तो मल्टीप्लाई थ्री कर लिया, इनकी वैल्यू पुट की और एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव आया। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि के ए एल एस ओ फोर का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ये एग्जांपल दे रखा है आपके, जिस भी एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिराइव करना होता है, यानी कि यहाँ पर अपन को सल्फर का डिराइव करना है, तो एल्यूमिनियम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री होता है, कितना होता है प्लस थ्री। अब बात आगे करते हैं, सबसे पहले आया है पोटेशियम, पोटेशियम की होती है प्लस वन, अपन ने डिराइव कर रखी है प्लस वन मल्टीप्लाई वन, कितनी होगी प्लस वन मल्टीप्लाई वन, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और पोटेशियम का एटम एक है तो प्लस वन मल्टीप्लाई वन, और एल्यूमिनियम की होगी प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है प्लस थ्री और एटम है एक तो मल्टीप्लाई वन। अब सल्फर की अपने को डिराइव करनी है तो टू एक्स होगी, क्योंकि सल्फर कितना है दो है, और सल्फर जिसकी डिराइव करनी होती है उसको एक्स मानते तो अपन ने एक्स मान लिया। आगे अपन को करना है ऑक्सीजन कितना है, चार दुनी आठ, यानी कि ऑक्सीजन के एट एटम्स है, और ऑक्सीजन की अपन को ऑक्सीडेशन नंबर पता है माइनस टू मल्टीप्लाई एट। मैंने यहाँ एट इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन के एट एटम है। अब बात करते हैं आगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये प्लस वन मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 24, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम दे रखे 12 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 24। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की होती है माइनस टू, कितनी होती है माइनस टू, और ऑक्सीजन के है एटम 12, तो माइनस टू मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ मैंने जीरो वैल्यू पुट कर ली। अब वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, थ्री को थ्री से किया थ्री, टू एक्स ऐसा का ऐसा, यहाँ माइनस टू को एट से किया माइनस सिक्सटीन, यहाँ मैंने किया प्लस वन को 24 से तो 24, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए ये प्लस और ये माइनस यानी इक्वल हो गए, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, कैंसिल आउट से अपनी थोड़ी सी क्वेश्चन इजी हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, जैसे ये वन ऐसा का ऐसा, ये थ्री ऐसा का ऐसा, ये 2x और इस 16 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ इज इक्वल टू 16। अब इस 16 में मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को इस साइड भेज रहा हूँ तो 1 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 3, तो 1 2x इज इक्वल टू 13। इस 1 को इस साइड भेजूंगा नेगेटिव में आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 12। अब अपनी वैल्यू कितनी आई, 2x इज इक्वल टू 12। अब जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे डिविजिबल में जाती है, तो x इज इक्वल टू 12/2, तो x इज इक्वल टू प्लस 6, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है प्लस 6। इस टाइप से आप हर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिराइव कर सकते हैं, और इस टाइप से कभी भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट VTC नारले, जय हिंद जय भारत।